पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए उनके बंगले के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं। उनका धरना इस समय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और आज तो वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई। कुल मिलाकर ममता बनर्जी द्वारा अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है और राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अपने अधिकारी के बचाव में धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिया है। कुल मिलाकर आज का जो घटनाक्रम रहा उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधीगिरी भी कर रही हैं और दादागिरी भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि वे दादागिरी पर उतर आई हैं और उन्होंने CBI के अधिकारों को चुनौती दी है, लेकिन ममता बनर्जी का यह कहना है कि पश्चिमी बंगाल में CBI को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए वे केंद्र सरकार की इस नीति के खिलाफ और खासकर मोदी सरकार की इस नीति के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं, यानी वे गांधीगिरी कर रही हैं। कुल मिलाकर गांधीगिरी और दादागिरी का यह मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर CBI के पूर्व डायरेक्टर द्वारा यह कहा गया है कि CBI के अधिकारियों को हिरासत में लेना ठीक नहीं है, लेकिन CBI को भी ऐसी कार्रवाई करने के पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि इस समय जो संघर्ष चल रहा है पश्चिम बंगाल में वह आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चल रहा है और कहा यही जा रहा है कि आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा कि ममता बनर्जी की दादागिरी जीतेगी या फिर उनकी गांधीगिरी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।